उम्मीद की जा सकती है कि 2018-23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होगी, भले वो जम्मू प्रोविंस तक ही महदूद रहे? देखिए, ऐसा है, छुट्टी होनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा है, हम जोर शोर से इसको उठाएंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि फिर से मैं कहता हूँ, जो छुट्टियाँ होती हैं उनका रिव्यू होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। 13 जुलाई क्यों छुट्टी होती है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको कभी जम्मू ने एक्सेप्ट नहीं किया अपना लीडर, बेशक यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे या उस वक्त के वजीर आजम थे, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड यहाँ पर था, यहाँ हमारा हमने लड़ी है लड़ाइयाँ, जब आयुर्वेदिक कॉलेज को यहाँ उठा के बंद कर दिया था शेख अब्दुल्ला ने, आज हमने लाया वापस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए, हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा जो है ये रीजनल इंजीनियर कॉलेज, हमने फाइट कर करके हमने कि हम जेलें काटी हैं, हमने बताएं ये इनका जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाए, बाकी जो बताएं क्या क्या कौन सी जेलें काटी इन्होंने, यहाँ के जो नेता बड़े बड़े जो भाषण देते हैं, महाराजा बहादुर महाराजा बहादुर महाराजा बहादुर की बातें करते हैं, डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला को कहे ना कहो महाराजा बहादुर, उमर अब्दुल्ला कहे ना महाराजा बहादुर, और उनकी छुट्टी होनी चाहिए। मैं पार्टी का सीनियर नेता, मैं आता हूँ, मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, कल भी मेरा भाषण सुना, क्योंकि हमने देखा कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकते हैं और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज उनको भरते हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन छुट्टी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दे के ऊपर है। हम ये भी कहेंगे छुट्टियों के बाकी छुट्टियों के ऊपर भी जो है रिव्यू होना चाहिए, फिर हम कैबिनेट में रखेंगे बात, बाकी छुट्टी है अगर 13 जुलाई जो हाँ इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट्स तो एक ही पार्टी के हैं क्या, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, जिनको चर्चा होनी चाहिए उसकी बैकग्राउंड क्या थी। अगर आप चाहते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूनिट बना रहे, अगर ये चाहते हैं कि स्टेट एक है, तो सभी लोगों के सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा।